वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों ने उन भाइयों को राखी भेजी है जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिसके वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, जो त्योहारों पर अपने घरों पर नहीं जा पाते हैं, जिनकी कलाइयां रक्षाबंधन पर सूनी रह जाती हैं। उन्हें काशी की बहनों ने अपने हाथों से बनी राखियां भेजी है। इन राखियां की खास बात यह है कि इको फ्रेंडली है। श्रेता शिल्पकला केंद्र में समाज सेविका डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव द्वारा एक सप्ताह की ट्रेनिंग में लड़कियों ने इसे बनाया है। भाइयों से ही मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्प कला केंद्र, मैं एक हफ्ते का वर्कशॉप चला रही हूँ राखी का, ताकि बहनें अपने प्यारे प्यारे भाइयों की कलाइयों में अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई हुई राखियाँ बांध सकें। दूसरा, हम समाज के कुछ संस्थाओं में जा करके उन भाइयों को और सैनिकों को हम राखी बांध सके अपने हाथ से बनी हुई। तीसरी बात, हम इको फ्रेंडली ज़्यादा से ज़्यादा घर से वेस्ट मटेरियल से सामान बनवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूज हो। और दूसरा, जो कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर हो गई है, तो वो कम पैसे में अपने हाथों से राखी बना करके अपने भाई की कलाइयों को सजा सकें। यही मेरा प्रयास है, इसीलिए ये एक हफ्ते का वर्कशॉप कराया जा रहा है।